आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, जिसकी खुशी देश भर में अलग अलग तरह से मनाई जा रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कैलाश भाग की टीम द्वारा अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 5 सितंबर से की गई थी, जिसे 11 सितंबर तक संचालित किया जाए, जिसमे मुख्य वक्ता कीर्ति कुमार सह प्रांत प्रचार प्रमुख ब्रज प्रांत मौजूद रहे। आज की इस परिचर्चा वार्ता में दोनों तरफ से अर्थात आज के युवा पत्रकार और इधर से भी दोनों तरफ से अच्छी वार्ता रही और एक बात निकल के आई कि कुल मिला के हमने किसी को प्रेरणा बनाना है तो एक स्वयं प्रेरणा बन भी सकते हैं। जहाँ भी हम रहें, जिस क्षेत्र में रहें, हम अपने कार्यों के द्वारा हम प्रेरणा बन जाएँ, इस तरफ भी हमने ध्यान में रखना है। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में युवाओं को बताया कि कठिन संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त हुई है और साथ ही उन्होंने वर्तमान समय में पत्रकारिता की राष्ट्र निर्माण में भूमिका के बारे में भी मार्गदर्शन दिया। बता दें कि कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में दिग्जेंद्र मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन महानगर प्रचार प्रमुख विनीत शर्मा ने किया। इस मौके पर गौरव वाशनिक, कुणाल, मंजीत, अनमोल सहित कई लोग मौजूद रहे। आज के जो परिचर्चा रही देश की आज़ादी में युवाओं की भूमिका, इस पर जो विचारों का जो आदान प्रदान हुआ बहुत ही लाभदायक रहा, पत्रकार बंधुओं के लिए भी, हमारे लिए भी और जो लोग इस परिचर्चा में शामिल थे सभी के लिए। आशा करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम विभिन्न मौक़ों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से ही करता रहा है, बहुत ही लाभप्रद होते हैं ये कार्यक्रम युवाओं के लिए और किशोरों के लिए भी। खासतौर से किशोर लोग जब युवा लोग जब इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो वो एक उनको एक प्रेरणा मिलती है ऐसे कार्ड को उसके और वो आगे चल के भविष्य में समाज के लिए बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाते हैं। निश्चित रूप से हम ऐसा मानते हैं कि भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। युवाओं को एक सकारात्मक रूप से सही प्रेरणा मिलती रहे और राष्ट्रवाद की भावना जो सदियों से इस देश में रही है वो लगातार हम सबको अगर मिलती रहेगी तो निश्चित रूप से हम भारत को बहुत जल्दी ही परम वैभव पर ले जाएंगे, जिससे कि भारत दुनिया का सिरमौर बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से एक साइकिल रैली का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत कारगिल पेट्रोल पंप शास्तिपुरम से होगी, लेकिन समापन कैलाश मंदिर पर किया जाएगा। इस रैली में लगभग 200 लोग मौजूद रहेंगे, जिनका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संदेश देना भी है। इस रैली में कोई भी शामिल होकर अपना सहयोग दे सकता है। आगरा से यशपाल, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सच का पहरेदार।